शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप 15 दिन के बाद आइए। यस मैडम, मिस्टर नैन सिद्धवानी से मिलना था। किस सिलसिले में? ये कार्ड उन्होंने दिया और कहा कम एनी टाइम। काम क्या है? देखिए मैडम, मिस्टर शुभेंदु रॉय बहुत बड़े और बहुत बिजी राइटर हैं और मिस्टर सिद्धवानी पर्सनली चाहते थे कि वो उनके लिए एक कहानी लिखे। अच्छा, कहाँ है आपके राइटर? वो देखिए, वो सामने बैठे। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप ही वहीं जाकर बैठ जाइए। मिस्टर सिद्धवानी बिजी है, जब फ्री होंगे तो बुला लूंगी। ओके। क्या फायदा हुआ टैक्सी का बेटा? अगर बस में आते ना, जिंदगी भर नहीं मिल पाते। छूटते कह देती गेट आउट। अरे उसने थोड़ी ना देखा है बस में आए कि टैक्सी में आए। यार बेटा, सब कुछ देखते हैं ये लोग। बिल्डिंग के अंदर बाहर कैमरे लगा रखे हैं इन लोगों ने। सही बोल रहे हैं भाई साहब। नमस्ते। अरे क्यों मिस्टर फुल टाइम एक्टर पार्ट टाइम वेटर हैं? यहाँ क्या कर रहे हो, एक्टिंग? नहीं सर, एक्टिंग तो कर चुका, चेकटिंग कर रहा हूँ। चेकटिंग मतलब? अरे 2500 का जाएगा, 2500 चक्कर लगवा दिए हैं। मैडम मेरा नंबर कब आएगा? मैं आप कतार में है, कृपया वेट कीजिए। अब ले ये लाइन तो सरकारी दफ्तर में भी सुनने को नहीं मिलती। आप चुप रहेंगे वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। सॉरी। समझदार हो भैया, समझदार। देख भाई, जो एक्सप्रेशन है तेरे, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर। और जो पर्सनल फोन। हाँ एक मिनट यार। हेलो यार जैन भाई, कैसे हो? नहीं आपका पैसा तो भाई कहाँ जाएगा, भिजवा रहा हूँ मैं। बात दरअसल ऐसी थी कि वो शादी थी और एक्सीडेंट। हेलो हेलो जैन भाई, आपको मेरी आ रही है? हेलो जैन भाई, नल नहीं आ रहा। जैन भाई घनाल में आता हूँ। हेलो जैन भाई का फोन मत दिया मुझे। ठीक है सर, सॉरी। नॉनसेंस। कैसा था? सर बहुत बढ़िया। पावर ऑफ सैटेलाइट, कमाल का शहर है ये। ओके सर, आप अंदर जाइए। आप नहीं, आप दोनों अंदर जाइए। चल अभी, रुक रुक रुक, क्या हो गया? किसको फोन कर रहा है? चड्डा साहब। गगन क्या कर रहा है यार? अबे इंप्रेशन। चल चल। हाँ चड्डा साहब, मैं गगनदीप बोल रहा हूँ, शुभेंदु जी का सेक्रेटरी। कमाल का शहर है ये। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल चड्डा साहब, कोई बात नहीं। हाँ जी मैं बिल्कुल समझता हूँ, बेफिक्र रहिए। हाँ चड्डा साहब एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। हेलो सर, आई एम सेक्रेटरी शुभेंदु जी। एक मिनट सर, कंप्लीट कर लो। हाँ चड्डा साहब मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आप भी समझिए ना, शुभेंदु जी इंसान है, मशीन तो नहीं ना। है उन्हें नहीं सर पैसे का कोई चक्कर नहीं है। अब वो प्रोड्यूसर जो है वो राइटर को पैसे नहीं देगा तो किसको देगा? राइटर के बिना खाक बननी है पिक्चर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं शुभेंदु जी को कह दूंगा कि आप मार्केट प्राइस से 4 गुना ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके जी। हाँ ओके सर। सॉरी सर, ये मोबाइल भी अजीब आफत है, कहीं पे भी कॉल आ जाता है। इस कमरे में नहीं आता, इसे खास तौर से लगाया गया है ताकि इस कमरे में ना कोई मोबाइल फोन का सिग्नल आ सके ना जा सके। सॉरी सर। नहीं नहीं काका, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तुम्हारे बोगस फोन से और ना तुम्हारे राइटर होने से। भाई देखो, राइटर वो है जो लिख सकता है, और अच्छा राइटर वो है जो ज्यादा लिख सकता है। अब वो क्या लिखता है इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि किस्मत की तरह कहानियां यहाँ पहले से तय हो जाती हैं। वाह सर, किस्मत की तरह कहानियां पहले से ही तय हो जाती हैं। सर आप तो खुद बहुत अच्छे राइटर हैं। नहीं नहीं काका, बात सुन ले पहले, बीच में मत काटा कर बात को। सुन लिया कर जो आदमी बोल रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ है।
पैसे मांगे ना तो काट के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि नाक कहाँ है और अंगूठा कहाँ। समझा शाने? तुझे पैसे देने से पहले तेरे नाम की सुपारी ना निकाल दूं मैं। दोबारा फोन मत करना, समझे? क्या है? नहीं कुछ नहीं मैडम, इधर से निकल रहा था, सोचा नमस्ते करता चलूं। नमस्ते मैडम। भाई मैंने कहा था ना, आई हेट एक्टर्स बट आई लव राइटर्स। तुम लोग अपने पैसे की फिक्र मत करना, तुम्हारे पैसे एकदम सेफ हैं। देखो भाई, जितने पन्ने लिखोगे उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, रेट यहां पर एकदम फिक्स है। बाहर मैनेजर बता देगा और कहानी टेप बता देगी। थैंक यू। और सुनो भाई, देखो ऐसा है, मुझे इस सीरियल में जितने डायलॉग हैं ना आपके उतने डायलॉग चाहिए, न एक ज्यादा न एक कम। हम इस इंग्लिश सीरियल पे बेस्ड कोई सीरियल बनाने जा रहे हैं। सबसे जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब बड़ा तू स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस लेता नहीं लेता। शुभेंदु, हमें क्या स्ट्रेस देगा तू? अरे शुभेंदु, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी प्रॉब्लम है कि मैं राइटर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे यार, तू बात क्यों नहीं समझता है? कहानी की चोरी भी कोई चोरी होती है क्या? होती है। कोई कितनी मेहनत से कहानी लिखता है, एक-एक घटना को जोड़कर एक किस्सा बनाता है, एक-एक लफ्ज़ एक-एक डायलॉग से ज़हनियत पैदा करता है, और आप उसे ये उठा लेंगे? ये पाप है गगन, ये चोरी है। वाह न्यायाधीश जी, अबे तू क्यों नहीं समझता कि ये पाप अब कुछ नहीं होता? पाप है गगन, पाप है। अरे कुछ पाप अब नहीं है यार। गगन तू अपनी बात पे अड़मा जाया कर। अरे तू मेरी बात ध्यान से सुन, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया, ठीक है? और अगर अब तू अंग्रेजी सीरियल चुरा रहा है तो तू देशभक्ति का काम कर रहा है, बदला ले रहा है हमारे पूर्वजों का। तू शट अप, जस्ट शट अप, ओके? अच्छा ठीक, एक मिनट, तेरे पास अगले महीने का भाड़ा देने के पैसे हैं? नहीं। नहीं है ना? देन यू शट अप, यू ब्लडी 2% के आदर्शवादी। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें मारता रहता है, अब जब काम करने का टाइम आया तो गोल हो रहा है। सर तेरी इन बातों की वजह से ना तेरा कोई दोस्त नहीं है, सब तुझे देख के भाग जाते हैं, कट जाते हैं तुझे देख के। पहले मुझे लगता था तू बंबई खुद बर्बाद होने के लिए आया, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो रहा है कि तू बंबई मुझे बर्बाद करने के लिए आया है, क्योंकि तू जानता है मैं तेरा दोस्त हूं और तेरे शहर से हूं, और साले तेरी हालत पे तरस खाऊंगा और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इन चीजों का फायदा उठा के ना तू जौ की तरह चिपक गया साले मेरे साथ। गगन मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं तू गुस्से में और तुझे खुद नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, और सच्चाई यह है कि मैं इस धरती का रहने वाला कीड़ा हूं और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है। लेकिन याद रख, राजा हरिश्चंद्र को भी ना सच्चाई के चक्कर में चंडाल बनना पड़ता, चंडाल, और साले तू भी चंडाल बन गया। चंडाल, तेरे सामने सब कुछ जल के राख हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तू बैठ के तमाशा देख रहा है, यू ब्लडी सैडिस्ट। साला दिन ही खराब है, इधर आ।